सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई खत्म हो गई है। 40 दिन चली इस मामले की सुनवाई का कल आखिरी दिन था। सुनवाई खत्म होने के बाद अब बयान आने भी शुरू हो गए हैं। राम जन्मभूमि न्यास के महंत रामविलास वेदांती ने मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन पर निशाना साधा है। रामविलास वेदांती ने कहा कि राजीव धवन ने कोर्ट का अपमान किया है, उन पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम पक्ष का प्रस्ताव नहीं मानेंगे, अयोध्या के लिए हम काशी मथुरा क्यों छोड़े। अब समझौते की कोई संभावना नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा। मुस्लिम पक्ष जमीन छोड़कर एहसान की बात ना करे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कल बहस के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने हिंदू पक्षकारों की ओर से पेश किया गया एक नक्शा फाड़ दिया था। इसी पर अब रामविलास वेदांती ने बयान दिया है। वेदांती ने कहा कि राजीव धवन ने कोर्ट, संविधान और जजों का अपमान किया है। उन्होंने जो भी किया वो भारत के कल्चर के खिलाफ है। मैंने पुलिस स्टेशन को इस बारे में बताया है और वो इस मामले में FIR भी दर्ज करा सकते हैं। इतना ही नहीं, राम जन्मभूमि न्यास के महंत रामविलास वेदांती ने राजीव धवन पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि जो राहुल गांधी ने संसद में किया था वही उन्होंने कोर्ट में किया। इस मामले पर फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा। बाबर को लेकर रामविलास वेदांती ने कहा कि बाबर भारत को लूटने आया था, जो बाबर ने किया वही आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 85% से अधिक मुसलमान चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में कल जब हिंदू महासभा के वकील ने किताब और एक नक्शा पेश किया तो राजीव धवन भड़क गए थे। उन्होंने तब उस नक्शे को फाड़ दिया और 5 टुकड़े कर दिए। हालांकि बाद में जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई तो राजीव धवन ने ये कह दिया कि उन्होंने नक्शा चीफ जस्टिस के कहने पर फाड़ा था, जिसको लेकर अब विवाद शुरू हो चुका है। हिंदू पक्ष पूरी तरह से नाराज है और राजीव धवन पर FIR दर्ज करने तक की बात कह रहे हैं। अब देखना होगा कि राम मंदिर पर फैसले से पहले इस मामले में और कौन कौन से रोचक मोड़ आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप भी इस खबर पर अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस UP को सब्सक्राइब कीजिए।